2023 में इंशाल्लाह 2023 में नासिर उस्ताद साहब नॉर्थ के एमएलए बनेंगे। नारे तकीर, ये मजबूती से बोलना है आप लोगों को। जब कुमार स्वामी साहब के साथ जब नासिर उस्ताद साहब हम लोग जब बैठे तो कुमार अन्ना ने नासिर उस्ताद साहब को बोले, गुलबर्गे के नौ कॉन्स्टिट्यूएंसी के बी फॉर्म मैं आपके घर देता हूँ, आप किसको चाहिए उनको कैंडिडेट बनाओ बोल के। पंजाब के अंदर कांग्रेस का क्या हालत हो गया 2023 में, कर्नाटक के अंदर कांग्रेस का यही हालत होने वाला है। मैं एक हिंदू का बेटा हो के आज मैं मुसलमान भाइयों के बीच आके बात कर रहा हूँ। मुसलमान भाई लोग अब एक होना बहुत जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहु। आज का जो ये जलसा, चार साल से पूरे आवाम देख रहे थे जेडीएस कहां पे है बोल के। हाल ही में कई नॉर्थ के अंदर नए नए कुछ नाम आ रहे थे, नासिर उस्ताद साहब का टिकट कट हो गया बोल के। जब कुमार स्वामी साहब के साथ जब नासिर उस्ताद साहब हम लोग जब बैठे तो कुमार अन्ना ने नासिर उस्ताद साहब को बोले, गुलबर्गे के नौ कॉन्स्टिट्यूएंसी के बी फॉर्म मैं आपके घर देता हूँ, आप किसको चाहिए उनको कैंडिडेट बनाओ बोल के। आज आवाम मेरे वालदा वार्ड नंबर 16 में कॉर्पोरेटर है। मैं दो ही बात करता हूँ, वक्त कम है, इंतजार में पुलिस वाले ठहरे जल्दी बंद कराने के लिए। आज वार्ड नंबर 16 में मैं कई बुजुर्ग लोगों के घर गया था, आज उन्होंने मेरे को बोल रहे आज हिजाब का अजाम का जो भी अजाम का जो भी ये मसले के लिए हमारे लिए कौन सा लीडर है रेड्डी साहब, कोई भी आवाज नहीं उठा रहे, आज कांग्रेस पार्टी यहाँ पे नींद कर रहा बोल के कई मेरे को बुजुर्ग लोग बात किए। मैं इनको बोला 2023 में आपके सामने ये खायत नासिर उस्ताद साहब ये आवाम के लिए लड़ने के लिए तैयार है, आवाम के खिदमत करने के लिए तैयार है। मैं एक हिंदू का बेटा हो के आज मैं मुसलमान भाइयों के बीच आके बात कर रहा हूँ। मुसलमान भाई लोग अब एक होना बहुत जरूरी है। सीएनआरसी में हम लोग जो ताकत बताएं 2023 में यहाँ पे एक मर्द की खायत की जरूरत है, मर्द की खायत की जरूरत है। ये जो हिंदुस्तान में नए नए मसले जो आ रहे वो मसलों को टक्कर देने वाले एक ही लीडर है नासिर उस्ताद साहब, आपके लिए बोल के मैं बोलना चाहता हूँ। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं अभी बहुत सारे लीडर्स बात करना है। अभी मैं MIM कांग्रेस के कई लीडर्स यहाँ पे ज्वाइन हो गए, आप लोगों को दिल से शुक्रिया था, मैं मुबारकबाद देता हूँ। ये स्टेज से मैं दो बात बोलना चाहता हूँ, आने वाले दिनों में कांग्रेस के लीडरों को भी दावत देंगे, MIM के लीडरों को भी दावत देंगे। ये स्टेज के मुखांतर मैं सब लोगों को दावत देता हूँ, आओ नासिर उस्ताद साहब का हाथ मजबूत करेंगे। 2023 में ये कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर फिर कुमार स्वामी बनेंगे। ये कांग्रेस पार्टी पंजाब के अंदर कांग्रेस का क्या हालत हो गया 2023 में, कर्नाटक के अंदर कांग्रेस का यही हालत होने वाला है। आज मैं आवाम के बीच ये बात कहना चाह रहा हूं, 2023 में मेरे बड़े भाई नासिर उस्ताद साहब आपके बीच आएंगे। एक बार मौका देखो, हर टाइम आप लोग मौका दिए, ये एक बार आज एक मर्द की खायत की बहुत जरूरत है। आज नासिर उस्ताद साहब का आप लोग हाथ मजबूत करना बहुत जरूरी है। आजकल के हालात देख के आपको बहुत हाथ मजबूत करना जरूरी है। 2023 में इंशाल्लाह 2023 में नासिर उस्ताद साहब नॉर्थ के MLA बनेंगे। दुनिया के स्टेट के लीडर्स कितनी बड़े ताकत भी अगर आके हारने का अगर कोशिश करे कुछ फर्क नहीं गिरेगा। 2023 के नासिर उस्ताद साहब यहाँ के MLA बनेंगे। भाई लोग आप जो मेरे को ये मौका दिए बात करने का आप लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहु। नारे तकबीर, ये मजबूती से बोलना है आप लोगों को। मैं ये नारे तकबीर मैं बोल रहा हूँ, ये आप लोग बोलना है। लास्ट में जाते टाइम नासिर उस्ताद साहब का ताकत मजबूत करके आप लोगों को ये आवाज के साथ यहाँ से रवाना करना है। 2023 तक ये आज का जो ये स्टेज है, ये स्टेज एक दिन का नहीं है,
कल से हम लोगों का नॉर्थ के अंदर हर गली हर लीडर के घर हम जाएंगे, ना सिर्फ उस्ताद साहब के लिए वोट मांगेंगे, यहाँ के आवाम के लिए वोट मांगेंगे, यहाँ के हालातें के लिए वोट मांगेंगे बल्कि मैं बोलना चाहता हूँ भाइयों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।